बिहार में छठ महापर्व की विशेष छटा देखने को मिल रही है। चार दिनों से चलने वाले छठ महापर्व की असली छटा का केंद्र तो बिहार ही है। शाम को घाटों पर सजी श्रद्धालुओं की भीड़ प्रमाण है इस बात का कि लोगों की छठी मैया पर कितनी गहरी आस्था है। और वो भी क्यों ना, छठी मैया से मांगा गया वरदान कभी खाली नहीं जाता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सालों से पूरी आस्था के साथ छठ का व्रत करते हैं। नहाए खाए के साथ शुक्रवार को ये व्रत शुरू हुआ। गांव से लेकर शहर तक लोग छठ अनुष्ठान करने में लगे हुए हैं। अक्सर इस पर्व में महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी देखी जाती है। लेकिन इसी बीच प्रखंड के बिंदगावा के रहने वाले आदित्य नाम के शख्स से एबी स्टार संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान जानकारी सामने आई कि आदित्य पिछले 14 सालों से लगातार छठ का कठिन व्रत करते आ रहे हैं। जब वो मात्र 4 साल के थे तभी से वो इस व्रत को करते आ रहे हैं। आदित्य कहते हैं कि 4 नवंबर को उनका जन्मदिन है। जन्मदिन के समय से ही उस समय छठ था, तो लोगों से सुना कि जो छठ करता है छठी मैया उसकी सारी मनोकामना पूरी करती है। जब से वो 4 वर्ष के थे तभी से घर में छठ हो रहा है। छठ पर्व को देखकर उनके मन में भी इच्छा हुई और उन्होंने जिद पकड़ ली, जिसके बाद थक हार कर छठी मैया की कृपा समझ कर घर वालों ने उन्हें व्रत में शामिल कर लिया। आज करीब 14 साल हो गए और लगातार आदित्य छठ का व्रत करते आ रहे हैं। मेरा उस दिन जन्मदिन था, घूम खेल रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे, पतंग उड़ाते उड़ाते पापा बोले चलो खाना खा लो, हम बोले कि नहीं खाएंगे, फिर मम्मी बोली खा लो खा लो खा लो, हम बोले कि नहीं नहीं खाएंगे, तो बोली कि फिर पापा बोले कि इसको दातुन दो, ये छठ व्रत करेगा। उसी समय से छठ करते, उसी समय से छठ करते थे। मेरा उसी दिन जन्मदिन था। हाँ, कितना उम्र था उस समय? उस समय 4 वर्ष था। 4 वर्ष था। और अभी क्या उम्र है आपकी? अभी 18 वर्ष। लगातार छठ व्रत कर रहे हैं? लगातार 8 तक हुआ, 16 तक हुआ है। 16 के बाद बीच में कुछ कुछ घटना के कारण बंद हो गया था, तो फिर 22 में हो रहा है। आगे भी जारी रहेगी? आगे भी जारी रहेगी। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील करेंगे यही कि जैसे हम कर रहे हैं अगला भी करे। क्या मनोकामना लेकर के छठ का व्रत करते हैं? मनोकामना यही रहेगा कि जॉब लग जाए। अचानक घूमते घूमते आया तिलंगी उड़ाते उड़ाते, उसके बाद अब आया घर में बोला कि हम छठ भूखे हुए हैं। माँ उसका बोली कि लो दतवन मुँह धो करके खाना खाओ, तो खाना नहीं खाया। ठीक है, उसके बाद वो पूरा अपना विचार बना लिया, भूखे रह गया 3 बजे तक। तो बाद में हम लोग सोचे और मेरे बड़े भैया जो हैं जा करके उसके लिए कपड़ा लाए, कपड़ा हम लोग दिए, उसके बाद उस समय से छठ करते आ रहा है और अभी तक करते चला आ रहा है, आज भी किया हुआ है। तो जैसा कि आपने देखा कि आदित्य नाम के उस शख्स को जो पिछले 14 सालों से छठ का व्रत करता रहा है, ये तो बिहार के एक छोटे से हिस्से में हमने आपको छठी मैया की महिमा के बारे में दिखाया। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि संपूर्ण बिहार में छठ महापर्व का क्या महत्व है। बिहार का बच्चा बच्चा इसका इंतजार करता है। अब विदेशों में भी बिहार की संस्कृति की झलक यानी कि छठ की छटा देखने को मिल रही है, जो प्रमाण है इस बात का कि हम चाहे कहीं भी हो लेकिन हमारा जुड़ाव हमारी संस्कृति के प्रति हमेशा रहेगा। पटना से एबी स्टार संवाददाता जिशान की रिपोर्ट।